एक्चुअली मेरी बीवी ने चुना है कपड़े मेरे लिए. मैं एक जैकेट लेकर आया था, लाल जैकेट मैंने पहन लिया मेरी मर्जी के अनुसार, पर मैं जब यहाँ घुस रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं पहनता, तो वाइट शर्ट कोट पहन. कानून बनाना तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमें ये हक हो कि हम कुछ भी चाहे कह सकें और हम कुछ भी चाहें ना सुन सकें. ये भी बात है, हमें ये भी हक होना चाहिए, पर हकों के साथ में फ़र्ज़ भी होता है. जो हमने स्कूल में पढ़ा था, विद एवरी राइट कम्स ड्यूटी. ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट पीपल, ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स. मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ कि अगर रोकना है तो अब्यूजिव लैंग्वेजेस जो इंटरनेट पे या किसी के धर्म को गाली पड़ रही होती है, यहाँ से हिंदू गाली दे रहे मुसलमान, मुसलमान गाली दे रहे हिंदू, पागलपन चल रहा होता है जिसकी माँ उसका बहन सब, वो भी गंदी गंदी बात है. मैं सोचता हूँ उतना अगर रोक सके रोके, बाकी तो जिसको जो सुनना है सुने, जिसको जो देखना है देखें, किसी को अच्छी फिल्में देखें धार्मिक जैसे संतोषी मत वो देखें, जिसको पोर्न देखना है वो पोर्न देख तो देख ही रहा है. बेसिकली ये मस्ती के लिए ऐप है. IKL जो इंडियन कैरोके लीग बना रहे हैं, म्यूजिकी जो ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जिसमें लोगों को अपने फ़ोन पे कैरोके गाने का मौका मिलेगा. और प्रीमियम पे एड्रेस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है उससे जुड़ के गाने को सुर मिलाया जा सकता है काफ़ी. तो ये एक फ़न ऐप है जिसको मेरे दोस्त संजय चितले, इन्होंने इसे कंसीव किया है. मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनकी हर उनकी सोच है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये म्यूज़िक की जो ऐप है IKL लीग जो बनने वाली है ये लोगों को तो पहुँचेगी. और अलग किस्म का एक म्यूज़िक में सबको मज़ा आता है गाने गाने बजाने में, और अगर अपनी आवाज़ को अच्छी तरह सुन लेंगे तो और मज़ा आएगा. ओके सुनो जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होगा प्रोसेस जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, इतने सारे वीडियो इतने सारे ऑडियो आएंगे, सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ आवाज़ें होंगी, ढूंढना ये थोड़ा सा नंबर ऑफ करोड़ की बात कर रहे हैं हम, कॉलेज की बात कर रहे हैं हम. हाँ, ये संजय चितली बताएंगे इस बारे में, क्योंकि इस बारे में उनकी सोच है. मैंने कहा जैसे मैं तो उनका दोस्त हूँ, उनके भाई होने के नाते मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, पर इस बारे में ये पूरा जो प्रोसेस है ये संजय चित्री जी को ज़्यादा पता है, तो आप उनसे सवाल पूछो. ओके सुनो जी, ब्रांड एम्बेसडर बने, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फेस हैं इसका, यू नो प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. मैं दोस्त हूं. तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी ब्रांड का हिस्सा बन रहे हैं, और खास करके वो ब्रांड जो संगीत से जुड़े हैं. इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लोगों को म्यूज़िक सिखा नहीं रहे, लोगों को म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए साधन देंगे. लोग पढ़ के कभी कभी, जैसे मुझे भी हर गाने लिरिक्स नहीं आते, ट्यून पता होती है लिरिक्स नहीं आते, अब गाने हाथ में हों और आप फ़ोन पे ही देख के गा रहे हैं और फिर एंटेरिस को ऑन करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ सुर में भी आ जाती है. तो ये एक मस्ती वाला ऐप है और इसका मैं एम्बेसडर ना कहें, मैं सिर्फ इनके संजय चौधरी जी के साथ में एक इनके साथ में खड़ा हूँ. आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द पीपल हु आर बिहाइंड दिस म्यूज़िकी ऐप, और कोशिश ये रहेगी कि लोगों तक ये ऐप पहुँचे और लोग से पूरा फायदा उठाए. सर पहले आप स्टेज से जाके सिंगर को ढूंढते थे, तराशते थे, लेकिन अभी ये ऐप के जरिए कितनी आसानी होगी आप? मुश्किल काम है, संजय चित्ले करेंगे, उनको ज़रा आता है.